प्रोसेस ओरिएंटेड ट्रांजेक्शन बेस्ड काउज है ऑपरेशन रिस्क का, उसके अंदर क्या क्या आता है? तो पहला है बिजनेस वॉल्यूम फ्लक्चुएशन, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल कम्प्लेक्सिटी, तीसरा है लैक ऑफ मैनेजमेंट सुपरविजन, चौथा है प्रोडक्ट कम्प्लेक्सिटी, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो दोस्तों आपको पता है कि जो प्रोसेस ओरिएंटेड ट्रांजेक्शन बेस्ड कॉजेज होते हैं ऑपरेशन रिस्क का, तो उसके अंदर हमारा बिजनेस वॉल्यूम फ्लक्चुएशन आएगा, ऑर्गेनाइजेशनल कम्प्लेक्सिटी आएगा, लैक ऑफ मैनेजमेंट सुपरविजन नहीं आता, प्रोडक्ट कम्प्लेक्सिटी आता है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ए बी एंड डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर टू है राइट डाउन इज डैश बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन रिस्क। तो राइट डाउन कैसा क्लासिफिकेशन है? इवेंट बेस्ड है, कॉज बेस्ड है, इफेक्ट बेस्ड है, या कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं है? तो दोस्तों राइट डाउन जो है दोस्तों वो अपना इफेक्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन है। वो कैसा क्लासिफिकेशन है? इफेक्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे देखते हैं लॉसेस फ्रॉम फेल्ड ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग आर डैश बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन रिस्क। तो यदि कोई ट्रांजेक्शन फेल हो रहा है तो उसके कारण जो लॉस हो रहा है वो कैसा बेस्ड है? इवेंट बेस्ड, कॉज बेस्ड और इफेक्ट बेस्ड। तो दोस्तों ये हमारा इवेंट बेस्ड कॉज क्लासिफिकेशन है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर को, ऑपरेशन फेलियर ऑफ अ थर्ड पार्टी आर डैश बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन रिस्क। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है कि आपका कोई ऑपरेशन फेलियर है थर्ड पार्टी का, तो ये कैसा क्लासिफिकेशन है ऑपरेशन रिस्क का? तो ऑपरेशन फेलियर जो होता है दोस्तों वो हमारा कॉज बेस्ड क्लासिफिकेशन होता है। ऑपरेशन फेलियर्स आर कॉज बेस्ड क्लासिफिकेशन। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फाइव है लॉस ऑफ रिकोर्स इज डैश बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन रिस्क। यदि हम लॉस ऑफ रिकोर्स की बात करें और ऑपरेशन रिस्क के क्लासिफिकेशन की बात करें, तो लॉस ऑफ रिकोर्स जो होता है दोस्तों दैट इज अफेक्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन। ये क्या होता है? लॉस ऑफ रिकोर्स हमारा अफेक्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन होता है ऑपरेशन रिस्क का, तो ये ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस डिसरप्शन एंड सिस्टम फेलियर आर क्लासिफाइड अंडर इवेंट बेस्ड, कॉज बेस्ड, अफेक्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन। देयर इज नो करेक्ट ऑप्शन। तो बिजनेस डिसरप्शन जो होता है दोस्तों, बिजनेस डिसरप्शन जो होता है वो हमारा इवेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो बिजनेस डिसरप्शन एंड सिस्टम फेलियर आर क्लासिफाइड अंडर इवेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, द थर्ड कंसल्टेटिव पेपर रिकमेंडेड फॉर। तो देखिए जो थर्ड कंसल्टेटिव पेपर था उसने क्या रिकमेंड किया? कॉज बेस्ड क्लासिफिकेशन, इफेक्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन और इवेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन फॉर ऑपरेशन रिस्क। तो दोस्तों जो थर्ड कंसल्टेटिव पेपर था दोस्तों उसने हमें क्या रिकमेंड किया? उसने रिकमेंड किया हमें इवेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो तीन, एक सेकंड कंसल्टेटिव पेपर है, एक थर्ड कंसल्टेटिव पेपर है, तो थर्ड कंसल्टेटिव पेपर ने क्या रिकमेंड किया? इवेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं फिल अप द ब्लैंक्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो रेस्टिट्यूशन जो होता है दोस्तों वो कैसा क्लासिफिकेशन है ऑपरेशन रिस्क का? इवेंट बेस्ड, कॉज बेस्ड, इफेक्ट बेस्ड। तो दोस्तों रेस्टिट्यूशन जो है वो हमारा इफेक्ट बेस्ड कॉज है। ठीक है, इफेक्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन है। सो रेस्टिट्यूशन इज व्हाट? इफेक्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन रिस्क। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन, इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इज डैश बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन रिस्क। तो यदि आपका इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन है ड्यूटीज का, तो वो कैसा क्लासिफिकेशन है ऑपरेशन रिस्क का? इवेंट कॉज या इफेक्ट? तो दोस्तों इनएग्रीगेट सेग्रीगेशन जो है वो कॉज बेस्ड क्लासिफिकेशन है। यदि आप एक ऐसे स्टडी मटेरियल की तलाश में हैं जिसमें आप सभी प्रकार के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाएं, वो भी क्विज के फॉर्मेट में, ऑनलाइन टेस्ट के फॉर्मेट में, तो दोस्तों आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक्सटेंसिव मॉक टेस्ट प्लान। ये मॉक टेस्ट प्लान सभी सब्जेक्ट्स, सीआईबी सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। इसमें दोस्तों आपको क्या क्या मिलता है मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले आपको इसके अंदर डेली क्विजेज मिलते हैं, वीकली यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मिलते हैं, मंथली मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट मिलते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलता है। यानी दोस्तों 200 से ज़्यादा क्विजेज का सेट है। डेली क्विज यानी प्रत्येक दिन आपको दो क्विज मिलेगा, प्रत्येक क्विज में 15 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा, 20 मिनट आपको समय दिया जाएगा, वो टॉपिक मैं आपको डेली बता दूंगा कि इस टॉपिक आपको पढ़ना है और आपको टेस्ट देना है। वीकली यूनिट वाइज मॉक टेस्ट 50 क्वेश्चन का सेट होता है जो कि वीकली कंडक्ट होता है। इसके अंदर दोस्तों आपको जो सप्ताह में आपने टॉपिक कवर किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर केस स्टडी भी इंक्लूडेड है, प्रत्येक क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन भी साथ मिलेगा। मंथली वाइज मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट में जैसे मॉड्यूल कंप्लीट होता है तो हम एक मॉक टेस्ट लेते हैं जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट में जैसे हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है तो हम लोग 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेंगे। तो फ्रेंड्स इसका कॉस्ट रखा गया है ₹200। आप ये स्केड्यूल देख सकते हैं, इस प्रकार से हमने स्केड्यूल तैयार किया है, और आप इस टेस्ट को कभी भी दे सकते हैं, अपने अनुसार कितने भी बार दे सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। यदि आप इसमें इनरोल होना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, मुझे व्हाट्सएप करना है। ये प्रोग्राम तो मैंने आपको BFM का दिखाया, सिमिलर प्रोग्राम आप देख सकते हैं, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8292857381। डिस्क्रिप्शन में भी इस व्हाट्सएप नंबर लिखा गया है, वहाँ से भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।
रहते हैं, उसी तरह आप देख सकते हैं कि ये हमारा AVFM का प्लान है, AVFM का है, AVM का है और BRBL का। यदि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट में इनरोल होंगे तो 200 पड़ेगा, यदि कंबाइंड पांचों सब्जेक्ट में इनरोल। लॉसेस फ्रॉम सिस्टम फेलियर्स आर डैश बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन रिस्क। यदि सिस्टम फेल हो रहा है उसके कारण जो लॉस हो रहा है दोस्तों वो कैसा क्लासिफिकेशन है, तो सिस्टम लॉस फेलियर है दोस्तों तो वो हमारा इवेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो लॉसेज फ्रॉम सिस्टम फेलियर आर इवेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन रिस्क। नेक्स्ट है दोस्तों एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस एंड वर्क प्लेस सेफ्टी इज क्लासिफाइड एज फॉलोइंग टाइप ऑपरेशन रिस्क। तो एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस है और वर्क प्लेस सेफ्टी जो है वो कैसा टाइप है ऑपरेशन रिस्क, इवेंट बेस्ड, कॉज बेस्ड, इफेक्ट बेस्ड या कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं है दोस्तों। एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस और वर्क प्लेस सेफ्टी जो है वो हमारा इवेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस एंड वर्क प्लेस सेफ्टी इज इवेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट बेस्ड कॉज ऑफ ऑपरेशन रिस्क। तो इफेक्ट बेस्ड कॉज कौन सा है, इंटरनल फ्रॉड, लीगल लायबिलिटी, डैमेज टू फिजिकल एसेट, एजुकेशन डिलीवरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये जो हमारा इफेक्ट बेस्ड कॉज है उसमें अंदर आता है हमारा लीगल लायबिलिटी। तो लीगल लायबिलिटी जो है दोस्तों वो हमारा इफेक्ट बेस्ड कॉज है ऑपरेशन क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम अनइंटेंशनल और नेग्लिजेंट फेलियर टू मीट प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन टू स्पेसिफाइड क्लाइंट आर क्लासिफाइड अंडर। तो यदि मान लीजिए कि कोई अनइंटेंशनल या नेग्लिजेंट फेलियर हो गया ताकि हम प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन को मीट नहीं कर पाए किसी स्पेसिफिक क्लाइंट को, तो उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, इंटरनल फेयर फ्रॉड, एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस एंड वर्क प्लेस सेफ्टी, क्लाइंट प्रोडक्ट एंड बिजनेस प्रैक्टिस, एजुकेशन डिलीवरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि यदि मान लीजिए कोई लॉस हो रहा है अनइंटेंशनल या नेग्लिजेंट फेलियर के कारण तो हमारा क्लाइंट प्रोडक्ट एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस के अंदर आता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे देखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट रिलेटेड टू बिजनेस रिजिलियंसी एंड कंटिन्यूटीज। तो आपको ये बताना है कि जो ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो रिलेटेड है बिजनेस रिजिलियंसी या कंटिन्यूटी को, उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल 9, प्रिंसिपल 10, प्रिंसिपल 11 या प्रिंसिपल 12। तो दोस्तों ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल नंबर 10, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑपरेशन रिस्क का रिलेटेड है बिजनेस रिजिलियंसी और कंटिन्यूटी से, उसको कहते हैं प्रिंसिपल नंबर 10। चलिए आगे देखते हैं, बिफोर लॉन्चिंग न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट हु असेस द ऑपरेशनल रिस्क इनहेरेंट टू देम। यदि मान लीजिए कि हम कोई नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, उसके लॉन्च होने से पहले कौन ऑपरेशन रिस्क को असेस करता है जो कि उसके अंदर इनहेरेंट है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ORM डिपार्टमेंट और कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले ऑपरेशन रिस्क को असेस करता है कौन, तो वो है हमारा ORM डिपार्टमेंट। तो ये काम ORM डिपार्टमेंट की दी गई है, ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की दी गई है कि आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले जो भी ऑपरेशन रिस्क उसके अंदर है उसे असेस करो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, एक बैंक लॉस सफर कर रहा है एडवर्स मार्केट मूवमेंट के कारण किसी सिक्योरिटी के, सिक्योरिटी जो था वो डिफिशियंस पीरियड के बियॉन्ड था, तो कौन सा रिस्क है जो कि बैंक ने सफर किया है, मार्केट रिस्क, ऑपरेशन रिस्क, मार्केट लिक्विडेशन रिस्क या क्रेडिट रिस्क। तो दोस्तों इस केस में बैंक ने सफर किया मार्केट लिक्विडेशन रिस्क, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई बैंक सफर करता है ड्यू टू एडवर्स मार्केट मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटी, तो इस केस में बैंक, इस केस में कैसा रिस्क होता है, तो मार्केट लिक्विडेशन रिस्क होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, अंडर द बेसिक इंडिकेटर अप्रोच द कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशन रिस्क इज कैलकुलेटेड एज डैश परसेंटेज ऑफ एवरेज ग्रॉस इनकम ऑफ 3 ईयर। तो दोस्तों बेसिक इंडिकेटर अप्रोच में जो कैपिटल चार्ज हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑपरेशन रिस्क का वो कितना परसेंट होता है, तो 15% होता है, दैट इज 15%, दैट इज 15% ऑफ एवरेज ग्रॉस इनकम ओवर 3 ईयर। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, बैंक्स यूजिंग बेसिक इंडिकेटर अप्रोच मस्ट होल्ड कैपिटल फॉर ऑपरेशन रिस्क इक्वल टू एवरेज ओवर प्रीवियस डैश ईयर ऑफ 15% ऑफ पॉजिटिव एनुअल ग्रॉस इनकम। तो दोस्तों ये प्रीवियस 3 ईयर होता है, कितना होता है, प्रीवियस 3 ईयर, ठीक है। तो जो भी बैंक बेसिक इंडिकेटर अप्रोच को यूज करती है तो वो कैपिटल होल्ड करती है ऑपरेशन रिस्क का एवरेज ऑफ प्रीवियस 3 ईयर ऑफ 15% ऑफ एंड पॉजिटिव एनुअल ग्रॉस इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIA यानी बेसिक इंडिकेटर अप्रोच इज वन ऑफ द मेथड ऑफ कंपटीशन ऑफ कैपिटल चार्ज फॉर। तो इससे हम लोग कैपिटल चार्ज किस रिस्क का कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशन रिस्क या क्रेडिट रिस्क। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है, इससे हम लोग क्रेडिट रिस्क का कैपिटल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बेसिक इंडिकेटर अप्रोच से हम लोग ऑपरेशन रिस्क को कैलकुलेट करते हैं, नॉट क्रेडिट रिस्क। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच इज नॉट एन अप्रोच टू मेजर ऑपरेशन रिस्क। तो किसमें से कौन सा मेजर नहीं है ऑपरेशन रिस्क को मेजर करने के लिए, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, IRB फाउंडेशन अप्रोच, एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। तो आपको पता है कि AMA यानी एडवांस मेजरमेंट अप्रोच और दूसरा हमारा बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, ये दोनों जो है हमारा ऑपरेशन रिस्क का पार्ट है। तो A और D तो होगा, लेकिन IRB फाउंडेशन और स्टैंडर्डाइज भी है, लेकिन IRB फाउंडेशन अप्रोच जो है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन रिस्क मेजरमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग, सी इज करेक्ट।
विच ऑफ द अंडर बेसिक इंडिकेटर अप्रोच बैंक मस्ट होल्ड कैपिटल फॉर ऑपरेशन इज इक्वल टू। तो BIA में हमने देखा है कि बैंक के पास कैपिटल कितना होना चाहिए, तो दोस्तों प्रीवियस 3 ईयर का एवरेज होना चाहिए और फिक्स परसेंटेज ऑफ एनुअल कॉस्ट होना चाहिए, तो दोस्तों 15% होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, एक केस स्टडी है, बैंक का बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2019 का। फर्स्ट ईयर देखिए, नेट प्रॉफिट, प्रोविजन, स्टाफ एक्सपेंस, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अदर इनकम। सेकेंड ईयर में नेट प्रॉफिट, प्रोविजन एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अदर इनकम। बीटा फैक्टर 15% दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि कितना कैपिटल चार्ज है ऑपरेशन रिस्क का ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ईयर रिजल्ट। तो दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन दी गई हैं, आपको बताना है कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशन रिस्क ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ईयर रिजल्ट। दोस्तों फर्स्ट ईयर का रिजल्ट देखते हैं, तो ग्रॉस इनकम का 15% है तो हमको पता है, तो ग्रॉस इनकम निकालते हैं दोस्तों। तो ग्रॉस इनकम कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों ग्रॉस इनकम निकालने के लिए नेट प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट यहाँ प्लस प्लस होगा, नेट प्रॉफिट प्लस प्रोविजन प्लस स्टाफ एक्सपेंस प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस सभी को जोड़ दीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा 6500 करोड़। ठीक है, और कैपिटल चार्ज निकालना है तो इस 6500 करोड़ का 15% निकाल लीजिए तो मिल जाएगा 975 करोड़। ठीक है, 975 करोड़ जो है दोस्तों, ये क्या है हमारा, दिस इज कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशन रिस्क। ठीक है, आगे देखते हैं, ग्रॉस इनकम डिफाइन फॉर पर्पज ऑफ कैपिटल फॉर ऑपरेशन रिस्क कॉल फॉर एक्सक्लूजन ऑफ। तो यदि हमें ऑपरेशन रिस्क के कैपिटल के लिए ग्रॉस इनकम को कैलकुलेट करना है तो उसके अंदर क्या नहीं आता है, एक्सक्लूड क्या होता है, अनपेड इंटरेस्ट, फी पेड फॉर आउटसोर्सिंग, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी इन ट्रेडिंग बुक, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी इन बैंकिंग बुक। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, जो प्रॉफिट हमने अर्न किया सिक्योरिटी सेल करके बैंकिंग बुक में, तो वो हमारा इसका पार्ट होता है ग्रॉस इनकम जो भी डिफाइंड है ऑपरेशन रिस्क के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल रिजल्ट किस इंटरनेशनल बैंक का दिया हुआ है 31 मार्च 2010 का। उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इंटरेस्ट अर्न, अदर नेट इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इनकम ऑफ सेल ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, इंटरेस्ट पेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रोविजन, ये सब आपको दी गई हैं। उसके बाद है दोस्तों, इस बेसिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आपको बताना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सम होता है इंटरेस्ट अर्न प्लस अदर नॉट इंटरेस्ट इनकम प्लस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट प्लस इनकम ऑफ सेल ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट। इसमें से माइनस क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग इंटरेस्ट पेड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो आप सभी का वैल्यू पुट कीजिए जो भी डाटा आपको दी गई है, तो आपको जो आंसर मिलेगा दोस्तों वो कितना मिलेगा, 4800 करोड़। ठीक है, तो 4800 करोड़ आपको आंसर मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस इनकम एज पर बेसिक इंडिकेटर अप्रोच फॉर ऑपरेशन रिस्क। तो ऑपरेशन रिस्क के लिए ग्रॉस इनकम कितना है, आपके सामने चार ऑप्शन दी गई हैं। तो सिंपल सी बात है, ग्रॉस इनकम होता है नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस नॉन नेट नॉट इंटरेस्ट इनकम। तो आप नेट इंटरेस्ट इनकम 24000 करोड़ है, ठीक है, देख सकते हैं। उसके बाद नॉट इंटरेस्ट इनकम, उसमें से 15600 करोड़ माइनस करेंगे और 3600 करोड़ आपका नेट नॉट इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग, देखिए नॉट इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है, और इंटरेस्ट अर्न इंटरेस्ट पेड दोनों का जो डिफरेंस होगा वही होगा हमारा इंटरेस्ट इनकम। देखिए इंटरेस्ट अर्न कितना है, 24000 करोड़ है, इंटरेस्ट पेड कितना है, 15600 करोड़ है, दोनों को घटा दीजिए तो आपको नेट इंटरेस्ट इनकम मिल जाएगा, और नेट इंटरेस्ट नॉट इनकम नॉन इंटरेस्ट इनकम दिया हुआ है 3600 करोड़, तो दोनों को जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस इनकम। ठीक है, आपको पूछा है कैपिटल चार्ज बताना है कितना होगा, तो कैपिटल चार्ज जो होता है वो ग्रॉस इनकम का 15% होता है, तो 12000 हमने ग्रॉस इनकम निकाला उसका 15% निकाल लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 1800 करोड़। आपसे पूछा गया है कि रिस्क वेट बताना है ऑपरेशन रिस्क का बेसिक इंडिकेटर अप्रोच में, तो रिस्क वेट एसेट का फॉर्मूला है कैपिटल चार्ज, ठीक है, तो वो हो जाएगा RWA = कैपिटल चार्ज कितना है हमने निकाला है 1800 / 8%। ठीक है, तो 8% जो है मिनिमम बेसल टू CER, तो ये आपको आंसर मिलेगा, इसमें आंसर मिलेगा दोस्तों आपको 22500 करोड़, ये RWA यानी रिस्क वेट एसेट है। अब क्वेश्चन है कि कोई एक अप्रोच का नाम बताना है आपको जिससे हम लोग रेगुलेटरी कैपिटल को एसेस कर सकें ऑपरेशन रिस्क के लिए, जिसका बेस होता है कैपिटल चार्ज अपॉन फिक्स परसेंटेज ऑफ सम मेजर। तो दोस्तों ऑप्शन है स्टैंडर्डाइज अप्रोच, इंटरनल मेजरमेंट अप्रोच, या बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, या लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस अप्रोच का नाम होता है हमारा बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैपिटल चार्ज इज कैलकुलेटेड अंडर बेसिक इंडिकेटर। तो हमने देखा है कि 15% होता है हमारा एवरेज ग्रॉस इनकम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद दोस्तों पूछा है कि स्टैंडर्डाइज अप्रोच में आपको यदि ऑपरेशन रिस्क मेजर करना है तो बीटा फैक्टर पेमेंट एंड सेटलमेंट के लिए कितना है। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट के लिए बीटा फैक्टर है 18%, याद रखिएगा बी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सिंप्लीफाइड स्टैंडर्डाइज अप्रोच में आपको रिस्क वेट निकालना है कॉर्पोरेट का वो कितना है। तो कॉर्पोरेट को 100% रिस्क वेट असाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंकिंग एक्टिविटी को स्टैंडर्डाइज अप्रोच में कितना पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो बैंकिंग एक्टिविटी को डिवाइड किया गया है कितने पार्ट में दोस्तों, 8 पार्ट में, 8 बिजनेस लाइन में।
अंडर द स्ट्राइक मेथड विच विद इन ईच बिजनेस लाइन ग्रॉस इनकम इज बींस गुड इंडिकेटर फॉर। तो स्टैंडर्ड अप्रोच में हर एक बिजनेस लाइन में जो ग्रॉस इनकम होता है वो किसका ब्रॉड इंडिकेटर होता है, कैपिटल रिस्क एक्सपोजर का, ऑपरेशनल रिस्क एक्सपोजर का, क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन का और फाइनेंशियल रिस्क एक्सपोजर का। तो जो ग्रॉस इनकम है दोस्तों वो ऑपरेशनल रिस्क एक्सपोजर का ब्रॉड इंडिकेटर है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड अप्रोच में बैंकिंग एक्टिविटी को 8 बिजनेस लाइन में डिफाइन किया गया है, वो कौन सा नहीं है, ऑड वन आपको पिक करना है, ठीक है, एक इसमें से नहीं है दोस्तों। तो देखिए क्या है, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ट्रेडिंग एंड सेल्स, पेमेंट एंड सेटलमेंट, कमर्शियल बैंकिंग, एजेंसी सर्विसेज, कॉर्पोरेट बैंकिंग, रिटेल ब्रोकरेज, असेसमेंट मैनेजमेंट। तो उसमें क्या नहीं आता है, तो उसमें आता है अपना असेसमेंट मैनेजमेंट नहीं है, ये नहीं है। सो दिस 8 नंबर इज नॉट देयर, बेस्ट आर देयर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड अप्रोच में ऑपरेशनल रिस्क के अंदर जो कैपिटल चार्ज कैलकुलेट करते हैं बीटा फैक्टर पे, तो बीटा फैक्टर इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कहा गया है कि नॉट करेक्ट। तो पहला है कॉर्पोरेट फाइनेंस में 18%, ट्रेडिंग एंड सेल में 18%, पेमेंट एंड सेटलमेंट 18%, कमर्शियल बैंकिंग में 18%, सब में 18% नहीं दिया है। तो देखिए ऊपर का तीन में तो 18% है लेकिन कमर्शियल बैंकिंग में 18% नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा स्टैंडर्ड अप्रोच में जो ऑपरेशन रिस्क का स्टैंडर्ड अप्रोच होता है उसमें कैपिटल चार्ज को हम लोग बीटा फैक्टर के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं और बीटा फैक्टर कमर्शियल बैंकिंग 18% नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, एक आपको केस स्टडी है, एक बैंक है वो प्लान कर रहा है कि वो स्टैंडर्ड अप्रोच के लिए स्विच ऑफ करे, ठीक है। डाटा कलेक्टेड है वो दिया हुआ है आपको, लास्ट 3 ईयर एवरेज इनकम कॉर्पोरेट फाइनेंस का इतना, ट्रेडिंग एंड सेल का इतना, रिटेल बैंकिंग का इतना, कमर्शियल बैंकिंग का इतना, और टोटल दिया हुआ है 10,440। ये डाटा आपको दोस्तों लास्ट 3 ईयर ग्रॉस एवरेज इनकम दी गई है, ठीक है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कैपिटल चार्ज रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड अप्रोच फॉर ऑपरेशन रिस्क। तो ऑपरेशन रिस्क के अंदर जो कैपिटल चार्ज की रिक्वायरमेंट है वो कितना होगा, तो दोस्तों देखिए इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, कॉर्पोरेट फाइनेंस में जो स्टैंडर्ड पहले स्टैंडर्ड अप्रोच को यूज करना है ये तो क्लियर है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस में 18% होता है किसका, 3380 का, तो आप निकाल लीजिए 18% 3380 का, तो मिल जाएगा 6,40। फिर ट्रेडिंग एंड सेल्स के लिए देखिए, ट्रेडिंग एंड सेल्स के लिए जो कैपिटल है वो है 2560, उसका 18% निकाल लीजिए। रिटेल बैंकिंग का 12% होता है 1870 का। तो दोस्तों आपको ये परसेंटेज याद होना चाहिए तभी तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, तो परसेंटेज दिमाग में आपको रखना पड़ेगा तभी आपसे ऐसा क्वेश्चन बन पाएगा। एग्जाम में परसेंटेज नहीं दिया रहेगा, एग्जाम में बस आपको कैपिटल दिया रहेगा, जैसे यहाँ क्या देख सकते हैं आप, रिटेल बैंकिंग में 12%, कमर्शियल बैंकिंग में 15%, पेमेंट सेटलमेंट में 18%, एजेंसी सर्विस में 15%, एसेट मैनेजमेंट का 12% और रिटेल ब्रोकरेज का 12%। तो कुल मिलाकर आपको मिल जाएगा 1,687.50% आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि बेसिक इंडिकेटर अप्रोच से बताओ, तो बेसिक इंडिकेटर अप्रोच में क्या करना है, सबको जोड़ देना है और उसका 15% निकाल लेना है। तो ग्रॉस इनकम कैपिटल का 15% है ना, यही चीज़ है, तो आपको मिल जाएगा 1,566। अब कह रहा है कि इन बेसल टू द स्टैंडर्ड अप्रोच, अब पूछ रहा है कि सबसे हाईएस्ट, देखिए आपके सामने चार बिजनेस लाइन दी गई है, सबसे हाईएस्ट बीटा फैक्टर किसका है, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस का सबसे हाईएस्ट आपको पता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस का जो है 18% है, बाकी रिटेल बैंकिंग का 12% है, कमर्शियल बैंकिंग का 15% है और एसेट मैनेजमेंट का भी 12% है। एएमए अप्रोच में अब देखिए हम लोगों ने दो अप्रोच देख लिया, बेसिक इंडिकेटर देख लिया, स्टैंडर्डाइज देख लिया। बेसिक इंडिकेटर में सिंपली ग्रॉस कैपिटल निकाल के उसका हम लोग 15% लेते हैं और एवरेज 3 ईयर लेते हैं। उसी तरह हमने ऑपरेशन रिस्क में देखा, ये हमने एएमए अपना स्टैंडर्डाइज अप्रोच में देखा कि उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग बिजनेस लाइन्स हैं, ठीक है, बिजनेस लाइन्स है उसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। अब पूछ रहे हैं कि एएमए अप्रोच में प्रोबेबिलिटी को किस स्केल पे मैप करते हैं, तो 5 के स्केल पे मैप करते हैं दोस्तों, ठीक है, प्रोबेबिलिटी को 5 के स्केल मैप करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिकॉग्निशन ऑफ इंश्योरेंस मिटिगेशन इज लिमिटेड टू डैश परसेंट ऑफ ऑपरेटर ऑपरेशन इज कैप्चर। तो इंश्योरेंस मिटिगेशन का कितना परसेंटेज दिया गया है, तो दोस्तों वो है हमारा, वो है कितना है, 20%, ठीक है, वो कितना है, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिमेटेड लेवल ऑफ ऑपरेशन रिस्क इज कैलकुलेटेड एज। तो ऑपरेशन रिस्क का एस्टिमेटेड लेवल कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा आंसर, ठीक है। सी में क्या है, एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस इनटू एस्टिमेटेड पोटेंशियल फाइनेंशियल इंपैक्ट इनटू एस्टिमेटेड इंपैक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस 4 है, पोटेंशियल फाइनेंशियल इंपैक्ट 4 है, इंपैक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल 0% है, एस्टिमेटेड लेवल ऑफ ऑपरेशन रिस्क बताना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और अंडर रूट निकालना है, तो 4 × 4 × 1 − 0 का अंडर रूट मिल जाएगा आपको 4 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायोरिटी ऑफ ऑकरेंस मीडियम है, पोटेंशियल फाइनेंशियल इंपैक्ट वेरी हाई है, इंपैक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल 50% है, आपको बताना है एस्टिमेटेड लेवल ऑफ ऑपरेशन रिस्क। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, इसमें आपको सबका वैल्यू देखना है, मीडियम है तो क्या है, वेरी हाई तो क्या है, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 होगा, ठीक है, या लो आप कर सकते हैं।
फाइव पॉइंट स्केल पे देखिए, आपको यहाँ पे देखिए काम का चीज़ है, स्केल ऑफ रिस्क ये होता है, आपके सामने स्केल ऑफ रिस्क मैं दे दिया हूँ, इसको एक बार देख लीजिए। वेरी हाई 4 पे होता है, हाई 3 पे, एवरेज 2 पे, मॉडरेट 1 पे, लो 0 पे। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस आपका एवरेज लिखा हुआ है, एवरेज यानी कि 2 हो जाएगा, है ना। फिर देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है दोस्तों, उसके बाद पोटेंशियल फाइनेंशियल इंपैक्ट आपको हाई दिया हुआ है, तो हाई दिया हुआ है तो 3 हो जाएगा, और इंपैक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल 40% दिया हुआ है, तो 2 × 3 × 1 − 40% का स्क्वायर रूट, तो आपको मिल जाएगा इसका स्क्वायर रूट यानी 3.6 जो है 1 से ज़्यादा है, स्क्वायर रूट ऑफ 3.6 जो भी होगा 1 से ज़्यादा होगा, 2 से कम होगा, क्योंकि 2 4 का स्क्वायर रूट होता है, तो आप कह सकते हैं कि मोर देन मॉडरेट एंड लेस देन एवरेज, तो एवरेज टू मॉडरेट आप कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल इंपैक्ट दिया हुआ है, आप एस्टिमेटेड ऑपरेशन रिस्क बताना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। टोटल रिस्क ऑपरेशन लार्ज ऑल्सो रेट इफेक्ट, तो इसका तीनों होगा, डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट, इंटरप्ले, कोरिलेशन। नेक्स्ट है इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट हेल्प्स, तो इंडिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट कैसे हेल्प करता है दोस्तों, आपको तीनों का तीनों काम करता है, अलाइन भी करवाता है, फैसिलिटेट भी करता है, और डाउनसाइड रिस्क पोटेंशियल को कंट्रोल भी करता है, सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिस्क मैनेजमेंट हैज बिकम अ रियल टाइम कंसर्न, कल्चरल डिमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेक इट डिफिकल्ट टू कलेक्ट रिस्क डाटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ आर ट्रू, यानी रिस्क मैनेजमेंट जो है रियल टाइम कंसर्न हो गया है, और कल्चरल लिमिटेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये डिफिकल्ट कर देता है रिस्क डाटा को कलेक्ट करने में, सो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 और 2 आर बोथ आर करेक्ट। आगे देखते हैं रिवार्ड्स ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन रिस्क का, लेजर रिस्क कैपिटल, कॉस्ट रिडक्शन इन ऑपरेशन, कॉम्पिटेटिव एज, तो जो हमारा प्रॉपर मैनेजमेंट ऑपरेशन रिस्क का उसका रिवार्ड क्या है, उसका रिवार्ड है सभी के सभी, रिस्क में कैपिटल कम होगा, कॉस्ट रिडक्शन होगा ऑपरेशन में, और कॉम्पिटेटिव एज होगा, ठीक है। तो ये था हमारा 49 क्वेश्चन का सेट, होपफुली आपने आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी, यदि लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसे पहुंचाएं। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।